आरटीई पेरेंट्स एबीसी स्कूल मानीवाड़ा बेसा रोड मंगलदीप नगर यहाँ का पेरेंट्स होते हुए हमें, जबकि सरकार ने कहा है कि मुफ्त किताबें गणवेश आदेश होते हुए भी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कुछ राजनीतिक दलों ने इसमें हाथ डालते हुए अपनी खुद का बर्थडे के तौर स्वरूप में ये स्कूलों द्वारा हमें यह किताबें रजिस्टर के तौर पे दी गई है। और जबकि किताबें न होते हुए ये रजिस्टर सिर्फ रजिस्टर ही है, जब हमारा बच्चा जाता है तो बोला गया है कि हमें मुफ्त गणवेश और किताबें मिलने वाली नहीं है। तो हमें खूब पेरेंट्स लोगों को ये दोनों राजनीतिक दलों को लेते हुए और स्कूलों को लेते हुए हम पालक सहमे हुए और डरे हुए, और सरकार की तरफ से हमें अभी तक इस चीज़ का हमें आदेश प्राप्त नहीं हो रहा है। और स्कूलें बोल रहे हैं कि हमें अभी तक भी सरकार की तरफ से आदेश प्राप्त हुआ नहीं है। तो हम पालक लोग अब यहाँ जाए कि वहाँ जाए, हमें खुद को प्रश्न या सवाल ये हमारे मन में है। आज के पेपर में जो आया था कि आरटीए का स्कूलों द्वारा उल्लंघन किताबें गणवेश के लिए, और उसके उपरांत यह बात जब पता चलती है कि बीजेपी लेवल आमदार जो अपने नाम पर ये कॉलेज के लड़कों के रजिस्टर आरटी पेरेंट्स को बुलाकर उन्हें दे रहे हैं, तो हम इस चीज़ का हमें क्या बात करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह भी पेरेंट्स के मन में सवाल उठ रहे हैं। और यह घटना का हम पेरेंट्स लोग सब निषेध करते हैं, और यह मुद्दा विधानसभा में उठना चाहिए, यह हम मांग करते हैं। फ्रेंड्स, आपका आरटी एक्शन कमेटी में स्वागत है। आप जैसा देख रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी जो सरकार द्वारा परिपूर्ति नहीं की जा रही, तो अभी भी जनता को गुमराह करने के लिए सरकार के ही एक आमदार, वो उन्होंने अपना जन्मदिन इस तरीके से बनाया कि गरीब बच्चों के साथ मजाक किया। अब आप मेरे को ये बताइए कि जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको कभी रजिस्टर दिया जाता है क्या? ज़बरदस्ती स्कूल ने जानबूझकर पेरेंट को बुला के कि तुमको फ्री में कॉपी किताब चाहिए ना, हम दे रहे हैं, आपको ये लेना पड़ेगा। यानी एक आमदार ने अपनी प्रचार करने के लिए ज़बरदस्ती गरीब बच्चों को ये रजिस्टर देकर ये इस बात का सबूत दिया है कि सरकार पूरे तरीके से लापरवाह हो गई है। और हमारे यहाँ पे जो देश में और राज्य में जो राज्य चल रहा है वो सरकारी अधिकारियों का चल रहा है, और हमारे जो लोक नेता है यानी जनप्रतिनिधि रहती है उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जब देखे कि भाई हमारे ऊपर आ रही है, हज़ारों की संख्या में पेरेंटों ने जब घेराव किया, तो आमदार ने इस तरीके के घटना जो किया है कि जो बड़ी एक इसको क्या कहेंगे, लापरवाही वाली बात है और विचार करने वाली बात है कि पालकों को उनके अधिकार मांगने पर ये क्या कर रही है सरकार। इसके लिए विधानसभा में क्वेश्चन लगना चाहिए, लेकिन विधानसभा के हमारे आमदार भी मूक बधिरों की तरह भूमिका निभाते हैं, बाहर बहुत चिल्लाते हैं और अंदर दुम दबा के बैठते हैं। और यही काम एक ये आमदार ने किया, अगर इनको करना ही था तो ये वहाँ जाके विधानसभा में इस मामले को उठाते और सरकार को ये बताते कि भाई इसका बिल फाइनेंस में आप लेके आइए, ये सेक्शन में प्रोविज़न है 11 अक्टूबर 2011 का अधिसूचना है राज्य सरकार की कि कॉपी किताब गणवेश कंप्यूटर टेक्निकल साहित्य और एडिशनल जो एक्टिविटी है इसका सारा पैसा सरकार को वहन करना है। लेकिन ये काम ना करते हुए इन्होंने ये घिनौनी हरकत करी कि अपना नाम चलाने के लिए और सरकार की खामियों को छुपाने के लिए ये एक कृत किया है, जो कि वाकई बहुत शर्मसार वाली बात है। तो ये आपके सामने मैंने ये वीडियो लाया, ये पेरेंट ही गए थे और ये पेरेंटों के साथ क्या हुआ है ये देखिए आप, स्वयं आपके सामने हैं।